नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धनु राशि वालों, दोस्तों तड़प तड़प कर जीना बंद कर दो, क्योंकि दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में खुशियों का माहौल शुरू होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी का जो समय होगा आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी समय रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में, इन समयावधि में ग्रहों के भी बहुत ही शुभ स्थिति बनने वाले हैं। साथ ही ईश्वर भगवान भोलेनाथ का भी कृपा आप शिव के जुनकाल पर रहने वाले हैं। दोस्तों यश में भगवान भोलेनाथ का शिव नाम का शुभ योग आप शिव के जुनकाल में खुशियों का जादू बिखेरेगा, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में कई प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। घर से जुड़े, सामाजिक जीवन से जुड़े जो भी आपके जुनकाल में छोटी मोटी दिक्कतें चल रही है दोस्तों, वे सभी समाप्त होंगे। तो दोस्तों ऐसे में इन सभी महत्वपूर्ण समयों को आप बिल्कुल ही ना गवाएं और दोस्तों सही समय का आप सही समय पर उपयोग में लाएं। जी दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा कि दोस्तों ऐसे में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप शिव के जुनकाल में बड़े बड़े बदलाव होंगे। तो दोस्तों इनके लिए आपको कुछ चीजों को लेकर सावधान भी रहने होंगे और कुछ कार्य को करने से भी बचने होंगे। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि ऐसे में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, घरों की ये बदलती चाल और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिजन में क्या क्या सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके और आपके परिवार पर पूरे साल रहेंगे। जी दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से जो कि यश में आपको ध्यान में रखने हैं कि दोस्तों जिस समय कोई भी समस्या जन्म लेती है तो दोस्तों उसके साथ उनका समाधान भी जन्म जरूर होता है। बसरते दोस्तों आपको पहचान करने की आवश्यकता होती है कि कौन सा हमारी समस्या के लिए समाधान होगा। जी दोस्तों, तो यश में आपके जुनकाल में कुछ ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जिस समय आपको सही समय का इंतजार करना है, सही मौके पर आपको कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। जय दोस्तों, और वर्ष में आपको ईश्वर को भी याद करना है। जय दोस्तों, क्यों दोस्तों हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर होता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं होता। जय दोस्तों, तो दोस्तों आप जब भी देखे हैं कि मुसीबत में आपके साथ कोई भी आपके साथ खड़े नहीं रहते हैं, तो दोस्तों वर्ष में आप ईश्वर को याद करें और दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपकी समस्या का समाधान आपको जरूर मिलेगा। जी दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लगी हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों के साथ बात करते हैं कि 30 जनवरी से लेकर 10 फरवरी का समय आप सभी के लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों यश में आपकी सोच आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेंगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहेगी। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनाने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक यश में परिवर्तन आएगा। दोस्तों आपको बता दें कि आप में कुछ बेहतर सीखने और फिर करने की दृढ़ इच्छा भी यश में जागृत होने वाले हैं। और दोस्तों इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आर्थिक मामलों में कमी आने की वजह से तनाव रह सकता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। दोस्तों किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। दोस्तों यश में आपको बता दें कि किसी भी प्रकार को लेन देन संबंधी जो भी मामले हैं और यश में उनसे सावधान रहें और पैसे के लेन देन से यश में आपको बचना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में फिलहाल आप अपने विचारों पर इतने खोए रहेंगे कि वास्तविकता में आपको ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों लोगों से दूर होने की वजह से आपके अंदर जो है उनके प्रति बना डर और भी बढ़ सकता है। व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर परिस्थिति को समझने की आपको कोशिश करने यश में होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अपने कार्यों को पूरा करने के लिए यश में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परंतु दोस्तों सफलता भी अवश्य आपको प्राप्त होंगे। अचानक ही किसी नज़दीकी मित्र या फिर संबंधी से मुलाकात तनाव भरे माहौल को भी दूर करेंगी और सुकून आपको प्रदान करने वाली है। इसके बाद दोस्तों आप जो है यश में अपनी थकान को भी भूल जाने वाले हैं। दोस्तों यश में आप गुस्से तथा जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, इससे दोस्तों बना बनाए काम भी बिगड़ सकता है और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं।
तो दोस्तों इनका ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों उनके मंसूबे जो है यश में कामयाब नहीं होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो सिम होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो सिम होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपने बनाई हुई योजनाओं पर जब तक आप काम नहीं करते तब तक किसी के साथ भी इस बात की चर्चा ना करें। दोस्तों आपको बता दें कि लोगों द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपके मन में डर बन रहा है और इसकी वजह से इस सकारात्मक परिस्थिति को भी आप नकारात्मक बना रहे हैं और अभी ने मान रहे हैं। दोस्तों भूतकाल में मिली हुई सीख को ध्यान में रखते हुए आपको यश में निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने कार्यों को व्यवस्थित तथा उचित समन्वय बनाकर निपटाने का प्रयास करेंगे और दोस्तों इनमें आप सफल भी रहेंगे। आपको बता दें कि आर्थिक निवेश संबंधी मामलों पर समय अधिक व्यतीत होगा और यश में सामाजिक गतिविधियों में भी आपका सहयोग आपको सम्मानित रखेगा। दोस्तों यश में घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि आप यश में उनकी भावनाओं तथा आज्ञा को नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में परिस्थिति आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए दोस्तों यश में परिस्थिति में या फिर परिस्थिति से लड़ना भी आपको व्यर्थ हो सकता है। कुछ बातों में इसमें आपको झुकाव दिखना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिन बातों में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों उस बातों को यश में छोड़ दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव तथा उचित अवसर आपको सुलभ होंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में ध्यान रखेंगे कि कुछ लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण काम भी अटक सकते हैं। दोस्तों पारिवारिक वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ अशांति से महसूस होगी और इसके उपरांत दोस्तों यश में भाइयों के साथ संबंधी आपके जो संबंध है इसमें उनमें मजबूती बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों आय के साथ साथ खर्चे की अधिकता भी रहेगी और ये आपको इसमें परेशान भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम की वजह से आप पर तनाव भी बढ़ेगा। बनाई हुई योजना पर टिके रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारियाँ अचानक से बढ़ सकती है। दोस्तों योजनाओं पर ठीक से टिके न रह पाने की वजह से नई समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है। लेकिन दोस्तों यश में आपको क्या करना है, अपने कार्यों पर ध्यान को केंद्रित रखना है और आगे चलकर इनका आपको अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यवसाय में मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। काम काज की छोटी से छोटी जो है बारीकियों का भी आपको गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों नौकरियों में आपके जो मधु व्यवहार तथा उदारवादी स्वभाव की वजह से सभी सहयोगियों के साथ संबंध इसमें उत्तम बने रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में पेशे से संबंधित लेन देन अथवा कोई भी डील करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों काम काज में यश में बहुत अधिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए नए प्रयास का सकारात्मक रिजल्ट भी आपको यश में प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में से या फिर नौकरी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप यश में स्वयं ही लें। किसी पर भी विश्वास करना यश में आपके लिए उचित नहीं होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में व्यवसाय में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यश में आप उस पर गंभीरता से अमल करें क्योंकि यह पार्टनरशिप फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी मनपसंद जगह पर स्थानांतरण भी मिल सकता है जिनसे आपका मन भी यश में प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा तथा घर का वातावरण भी यश में सुखद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। घर के किसी मुद्दे को लेकर सदस्यों के बीच कुछ नोक झोंक भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर परिवार में खुशी भरा वातावरण भी रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे किसी गलतफहमी का निवारण भी यश में हो सकता है और इससे आप फिर से मधुर अवस्था में आ जाएंगे। और दोस्तों के उपरांत यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वैवाहिक संबंध यश में उत्तम रहेंगे।
सोशल मीडिया व फिर प्रेम संबंध से दूर रहेंगे तो आपके लिए इसमें उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम आदि आपके ऊपर हावी हो सकती है। दोस्तों ये समय आपको ध्यान रखना चाहिए और आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक इलाज करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपको बता दें कि स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक होगा परंतु माइग्रेन की समस्या उठ सकती है। यह समय आपको तनाव लेने से बचना होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे। साथ ही पेट से संबंधित कोई समस्या भी रह सकती है। गैस व फिर बादी वाली चीज़ों का सेवन इसमें आपको करने से बचना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपको बता दें कि व्यायाम और योगा पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी का ख्याल रखें, ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे।